हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवरटेक। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नाइट के बेस मॉडल के बारे में जो कि है XE। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओवरटेक को तो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आपकी क्वेरीज को हम लोग आंसर कर देंगे। शुरू करते हैं। तो ये जो है गाड़ी, ये मुझे खड़ी मिल गई रोड के कॉर्नर पे, तो ओनर से हमने परमिशन लेके एक वीडियो छोटी सी बना ली थी। हालांकि गाड़ी लॉक थी क्योंकि ओनर बिजी थे तो कहीं चले गए, सो अनलॉक नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं गाड़ी को। एसेसरीज भी इसमें फिट कराई गई हैं ओनर द्वारा, जैसे कि आप बैक में क्रोम देख रहे हैं लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो व्हील कवर्स हैं, ये बेसिकली ब्रेजा में आते हैं, वो वाले व्हील कवर्स लगाए गए हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की मैटिंग लगाई गई है इसमें। और जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ओनर ने लगवाया था वो था टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आप अभी आगे वीडियो क्लिप्स में देख पाएंगे। आगे बात करते हैं। तो अभी फॉग लैंप्स इसमें नहीं लगवाए गए हैं, बट ओनर ने इसमें अपने क्रोम का काफ़ी काम करवाया है, जैसा साइड में ब्लैक कलर का बम्पर प्रोटेक्टर लगवाया है उन्होंने, देख सकते हैं आप। और नीचे यहाँ पे क्रोम लगवाया है, बट कोई भी फॉग लैंप्स अभी तक उन्होंने इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। सेंट्रल लॉकिंग भी उन्होंने लगवा ली है, जो कि उनको लगभग 5000 के अप्रॉक्स पड़ी थी। और उनको जो टच स्क्रीन विद बाकी के कंपोनेंट्स के साथ पड़ा था वो लगभग 12000 या शायद 15000 तक का पड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15000 उन्होंने कहा था। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा गाड़ी को चलते हुए देख सकते हैं। बेसिकली लखनऊ की तो ये पहली कार है, लखनऊ से मैं हूँ तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की मैग्नाइट, लखनऊ की तो मेन ये पहली बेस मॉडल XE है। और डेफिनेटली रोड प्रेजेंस की आप बात करोगे तो काफ़ी बड़ी दिखती है ये, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि अब क्रेटा जैसी बड़ी हो जाएगी या इंडिवा फॉर्चुनर है, लेकिन रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। और नई गाड़ी होने के कारण इसको कई लोग मुड़ मुड़ के देख भी रहे थे। और इसका जो हॉर्न वगैरह है वो भी अच्छा ही है। और बाकी बात की जाए कलर की या रोड प्रेजेंस की, तो जैसे मैंने बताया कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था। कई लोग कह रहे थे कि बेस मॉडल में जो कलर आता है वो उतना बढ़िया नहीं है जैसा पर्ल वाइट टॉप मॉडल का है, लेकिन मुझको पर्सनली ऐसी फीलिंग नहीं आई, मुझको ये कलर भी अच्छा लगा। और दूर से ही गाड़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बल्कि और एक SUV लगती है। अब बात करेंगे उनको कितने की पड़ी थी। सो ये गाड़ी उनको पड़ी थी 5,85,000 की, ये उनको ऑन रोड उत्तर प्रदेश में पड़ी है। और जो भी एसेसरीज लगाई हैं उन्होंने ये अभी तक इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और जो क्रोम वगैरह के पार्ट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, डोर पे जो क्रोम है, बैक में जो क्रोम है, जो डोर वाइजर्स लगाए गए हैं रेन के लिए, ये सब उन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, शोरूम से नहीं लगवाया है कुछ भी। और जो टच स्क्रीन पैनल है ये सब भी आफ्टर मार्केट है। और जो आपका टायर का जो आप देख रहे हो कवर, वो भी आफ्टर मार्केट है। सो ये सब आफ्टर मार्केट की चीज़ें थी। और अगर उनको आप अप्रॉक्स जोड़ोगे तो उनको 20,000 से प्लस उन्होंने खर्च किया आफ्टर मार्केट में, लेकिन 25 से थोड़ा कम, आप 25 अप्रॉक्स उसको समझ सकते हो। टच स्क्रीन भी उन्होंने लगवाई है, बट जब हम लोगों ने थोड़ा सा सुना था म्यूज़िक, उतना अच्छा उन्होंने नहीं लगवाया है क्योंकि कंपोनेंट्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए हैं, उन्होंने आगे की ही तरफ सिर्फ 2 कंपोनेंट्स फिट करवाए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो भाइयों लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपके लिए ऐसे ही फ्रेश कॉन्टेंट हम लोग लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।